ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे सितंबर राशिफल के बारे में। यह महासितंबर यानी सितंबर का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, कर्म से आपको जानकारी देंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, आपका जमा धन कोष बैंक बैलेंस, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका घर का सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, सुख संसाधन, आपका संतान सुख, विद्या एजुकेशन, तरक्की उन्नति, शत्रु की स्थिति, रोग की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, साझेदारी, बिजनेस लाभ, पार्टनरशिप, तरक्की उन्नति, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों एक बात जान लें, यह फलादेव चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो परिचित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। एक नजर ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे, बुध सिंह राशि में संचार करेंगे, गुरु मेष राशि में संचार कर रहे हैं, शुक्र सिंह राशि में संचार करेंगे, शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में और राहु आपके मेष में और केतु तुला में। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। मित्रों इस माह में आपका एक सूर्य शनि समसप्तक योग भी बनने जा रहा है, जो कि आपका 17 सितंबर तक रहेगा। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अंगारक दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो इसका भी शुभाशुभ प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर घटित होगा, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। मित्रों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए महा सितंबर यानी सितंबर का मंथ 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से। यहाँ के लॉर्ड शुक्र आपके फोर्थ हाउस में संचार करें, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली इच्छा शक्ति विल पावर स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, थोड़ा रोमांस और रोमांटिक के मूड में भी आप रहेंगे, शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा, फैमिली फाइनेंस परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, भविष्य के लिए निवेश करना चाहे कर सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, समय समय पर कोई नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है लेकिन सकारात्मक सोच बनाए रखें, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहां से लाभ गेन करेंगे लेकिन थोड़ी सावधानी बरती, छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी पड़ोसी मिलने जुलने वाले लोग उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे लाभ गेन करेंगे, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, खासतौर से 17 तारीख तक प्रयास कीजिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन 17 तारीख के बाद कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई खुशखबरी कोई गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन 17 तारीख तक के बाद थोड़ी सी, क्योंकि 17 तारीख को वहां पर एक सूर्य के साथ अंगारक दोष बनेगा तो 17 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पर ऑलरेडी थोड़ी सी आपके साथ क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल भी वहां संचार करें, संतान पक्ष को लेकर चिंता टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी, कोई संतान के साथ मुद्दे डिफरेंसेस, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब या विवाह शादी में प्रॉब्लम, पढ़ाई में बिजनेस में या नौकरी में, जिस वजह से आप चिंतित रहें, थोड़े संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है, और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन कन्फ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन में एकाग्रता के भाव में कमी, तो एकाग्र होकर आप अपना प्रयास कीजिए, आज जो प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से सफलता भी आपको जरूर मिलेगी, थोड़ा धैर्य और संयम रखें, किसी क्रोध उत्तेजना से बचें, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, यहाँ पर आपकी अच्छी स्थिति, थोड़ी मेहनत थोड़ा संघर्ष प्रयत्न आपको अधिक करना पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद डिफरेंसेस, पति पत्नी की हेल्थ डिस्टर्ब या संतुष्टि के भाव में कमी, कोई वाद विवाद कोई आर्ग्यूमेंट व्यर्थ लाभ व्यर्थ का आर्ग्यूमेंट, घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा संयम रखें, प्रेम संबंधों में धोखा चिटिंग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहता है फिलहाल स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा, लंबी दूरी की विदेशों की यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस कोई नुकसान हो सकता है, और विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावटें व्यवधान आ सकती है लेकिन अंततः आपको सफलता भी मिलेगी, थोड़ा परिश्रम मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, प्रयास अधिक करने पड़ेंगे,
करियर व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आप करियर व्यवसाय की दृष्टि को लेकर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव लाना चाहें, कोई चेंजेस लाना चाहें, तो आप ला सकते हैं। जितना प्रयास करेंगे उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्थिरता प्रदान होगी, आप लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में समय समय पर थोड़ी सी कमी आ सकती है, वहाँ से थोड़ी रुकावटें, थोड़े स्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर थोड़ी सी तो रुकावटें देखने को मिल सकती है, लेकिन बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। छोटे भाई बहन मित्र वर्ग जो एज में उम्र में आपसे बड़े हैं, उनके संबंधों को ठीक रखिए, नहीं तो उनकी तरफ से भी कोई नुकसान हो सकता है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, जो जातक विदेशों में आ या आपका विदेशों से कोई संबंध है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ी सावधानी बरतें। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। चूंकि आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली तो हमारे पास होती नहीं है, इसलिए हम चंद्र राशि पर फलादेश करते हैं। और कई करोड़ लोग, 12-13 करोड़ लोग अगर हिंदुस्तान की बात करें तो एक ही राशि के सब संभवत है, सभी राशियों पर एक जैसे प्रभाव घटित नहीं होते। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली, जिसका मेन महत्व है, मेन इंपॉर्टेंस है, वो आपकी जिंदगी का आधार है, उसका मिरर है, आईना है, दर्पण है, पिछले जन्म के प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म। तो दोनों चीजें टैली होती हैं तभी शत प्रतिशत परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। अगर वृषभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तब संभवत है, मान के चलिए यहाँ पर आपको काफी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और यह जो महा आपके लिए लाभदायक सिद्ध। और अगर आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवत है थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी कठिनाइयां, परेशानियां आपके सामने आ सकती है। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, सारी चीजों से स्पष्ट हो जाती है। और उपाय के तौर पर आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचे रहेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।